मुंबई की बारिश की तरह फैमिली मैन पार्ट टू अमेजन प्राइम पर बरस रहा है प्रमोशंस बरस रहे हैं रिव्यूज़ बरस रहे हैं और मैं भी इस बारिश के इंतज़ार कर रहा था एक पागल फैन की तरह क्योंकि फैमिली मैन पार्ट वन जैसी सीरीज मैंने कभी देखी नहीं थी उसमें खूब एक्शन थी पर थ्रिलर्स ये नहीं थी उसमें कई मजाकिया सीन्स थे पर कॉमेडी नहीं थी उसमें फैमिली कि कई दिल को छूने वाले सीन्स थे पर फैमिली ड्रामा नहीं थी तो क्या थी इन सब को मिलाकर ये सब कुछ थी और ऊपर से एक उसकी डायरेक्शन हल्के और चंचल हाथ से बुनी गई थी ये इसकी खूबी थी एक्चुअली आई वॉच्ड सीजन वन अबाउट फोर डेज अगो एंड आई इन अबाउट टू डेज माय माय फर्स्ट थॉट वाज दैट आई लाइक द फैक्ट दैट इट्स कॉल्ड फैमिली मैन The reason why I like it is because even though he's doing this really, really dangerous job and he, he doesn't lose his sense of humor, there is this entire family that is demanding a certain amount of time and effort from him, which is nearly impossible for him to give at the commitment level that his wife and his children want. Now that's an interesting concept. So family man interested me in terms of the name i was reluctant to watch it for about 2 years because i was like it'll be like pretty much all the films that you've seen where you know if you if you have a film which is talking about national security and defense it'll either be about pakistan or it'll which is essentially what season 1 was it had its predictable uh, spaces i did not enjoy it as much as my father did and this i think is extremely important for me to say because इसी कारण जब मैंने देखना शुरू किया तो मेरी उत्सुकता तो चोटी पे थी देखते देखते मेरी उत्सुकता निराशा में बदल गई मैंने रियलाइज किया कि चमत्कार बार बार नहीं आता है और बहुत सारे मतलब एक्सपेक्टेशन हों उतावलापन हो तो वो उम्मीद से बाहर चले जाते हैं आपके एक्सपेक्टेशन रियलाइज नहीं होते हैं ये खतरा है पहले तीन एपिसोड में एक बहुत भारी भरकम टेररिज्म का खेल दिखाया जा रहा है तमिलनाडु में है श्रीलंका में लंदन जा रहे हैं फ्रांस और उसके दौरान हमारे हीरो एस ऑपरेटर श्रीकांत तिवारी अपना टास्क फोर्स छोड़ के एक आईटी कंपनी में नाइन टू फाइव जॉब कर रहे हैं जब ये सब कुछ हो रहा है और जहाँ एक यंग उनके एक कम उम्र का आई का स्मार्टी उन्हें डांट खिला रहा है कि डोंट बी ए मिनिमम मैन अब इसका मतलब जो कुछ भी होली बॉसिंग समी गोज एन टेक्सनल कॉल आई मीन कम ऑन इफ यूर फ्रेंड और योर वाइफ और योर डॉटर कॉल्स डे इट्स नॉट लाइक यूर यू वर्किंग फॉर द पेंटेगॉन यूर नॉट अ कॉल इट का टॉप वहाँ घर पे उसकी बीवी चारमिंग प्रिया उर्फ सुची ने अपना जॉब छोड़ दिया है घर पे बेचारी बैठी है बेचैन और निराश हमने सोचा था कि फैमिली मैन पार्ट वन का जो सबसे बड़ा सवाल निकला कुछ कट्टा ने क्यों मारा की तरह हैं? कि लोनावला में क्या हुआ वो पहले एपिसोड में ही उसका जवाब हमको मिलेगा या कोई जिक्र तो होगा लेकिन इसके जवाब का हमें दूर दूर तक कोई निशान नहीं मिलता है और बच्चे भी अब बड़े हो गए छोटा लड़का अथर्व फिर भी चुलबुला है पर अब उसकी बड़ी बहन धृति एक एंग्री टीनेजर बन गई है घर में सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ है मनोज वाजपेयी फ्रस्ट्रेटेड है सुची डिप्रेस्ड है दोनों मैरिज काउंसलर आसिफ बसरा से मिलते हैं जिनका खुद अवधांत हुआ है और ये सब सोचते हुए हम ऑडियंस भी डिप्रेस हो जाते हैं सुची इन द रोल ऑफ द वाइफ इज इंटरेस्टिंग She is someone who's extremely intelligent, much more so than a Manoj mm -hmm. Bajpai's character. Even though he has his comic and funny elements and his, you know, stories that he mm -hmm. says, she is an interesting character because she portrays what a human being can go through if you are not using your full potential. And you can make out that Suchi from season one has not used her full potential. Of course, whatever has happened in Lonavla, that my father loves to say, what happened in Lonavla. I'm just saying that whatever happened in Lonavla. is is important to the plot, but more important is the way she deals with the situation. irrespective of whatever happened in Lonavla, it's how she is dealing with with it here. the guilt that she is feeling for whatever the reasons are. आखिर एपिसोड 4 में हमें राहत मिलती है. मनोज बाजपाये अपना टास्क फोर्स फिर से ज्वाइन करते हैं जो उन्हें पहले एपिसोड में करना चाहिए था. सूची अपने स्टार्टअप श्रीक में फिर फिर से ज्वाइन करती है जो उसे पहले एपिसोड में करना चाहिए था अब दोनों एक्टिव एनर्जेटिक हो जाते हैं और उदासी और कयामत का माहौल उठता है थैंक गॉड मनोज वाजपेयी फाइनली अपने मजेदार एक्शन कॉमेडी के सीक्वेंसेस करने लगते हैं और प्रियमणि की प्यारी मुस्कान फिर से नजर आने लगती है देर आर इंटरेस्टिंग मोमेंट्स एंड इंटरेस्टिंग यूज्ड To create a certain amount of humor. There is much more humor in this season than there, there was in uh, season 1, and the humor that has been used in this season is actually intelligent humor. It's normal, intelligent humor that you would you know, do on a one to one basis. So, it's an interesting concept of filmmaking. Now, episode 5, there is a comedy scene between Shrikant Tiwari and his assistant J.K. Talpade. और तमिलनाडु की ओवर इंथ्यूजियास्टिक लेडी इंस्पेक्टर उमायल जिसने इन दोनों को मर्डर केस के सस्पेंशन पर जेल में फेंक दिया है <laughs> इतना फनी सीन है कि मुझे फैमिली मैन पार्ट वन याद आया और मेरी उम्मीद बढ़ी कि अब फैमिली मैन पार्ट टू तो टेक ऑफ हो ही गया है बट अनफॉर्चुनेटली कहावत है ना कि अपियरेंस इज फ्लैटर ओनली टू रिसीव बाकी एपिसोड हमें गोल गोल घुमाता है पार्ट वन के मुस्लिम टेररिस्ट यहाँ हैं पर अब जुड़े हैं तमिल टेररिस्ट या फ्रीडम फाइटर्स आप कह सकते हैं डिपेंडिंग आप किस देश के नजरिए से इनको देख रहे हैं वो अटैक कर रहे हैं एक तीसरे देश श्रीलंका को जो एक फ्रेंडली नेबर है देश का सो बिटवीन द फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एपिसोड यू काइंड ऑफ गेट इन टू दिस होल अपार्ट फ्रॉम दिस इंटायर यू नो श्रीलंका तमिलनाडु द तमिल इंडियन श्रीलंकन प्लॉट वीव गॉट द सेम ओल्ड क्रोनीज फ्रॉम सीजन वन देर इज साजिद एंड देर इज समीर नो बडी नो इज वाई दे आर इन्वॉल्व इन दिस प्लॉट ऑल द गर्ल्ड डोंट सिट इन अ कॉन्फ्रेंस एन सेनली डील विद वन प्लॉट एंड वी आर गोइंग टू ओनली हैव वन इशू देट वी आर गोइं टू मेक दैट कंट्री टैकल विद और उसके ऊपर तमिलनाडु की बेहद काबिल और ख़ूबसूरत एक्ट्रेस समेंथा अकेनैनी को काला रंग लगाकर सुइसाइड बॉम्बर राजी के रोल में वो आप प्ले करवा रहे हैं अब ये एक बोल्ड रोल है और उन्होंने बहुत साहस से इसे निभाया है और बहुत तारीफ भी उनको मिली है मगर पूरी सीरीज़ में एक इतना सीरियस इंटेंस एक्सप्रेशन लेकर आप निभाती हैं दुनिया से इतनी नाराज़ हैं कि एक बार भी चेहरे पे आपके मुस्कान नहीं आती है

She's got this pancake dark uh, makeup on her to make her look like a, a South Indian. Even though she is a South Indian, is I don't know beyond me. Raji being a highly skilled gorilla commando is effective. I think she's a good actor in reality, but she hasn't been used to her full potential. Family Man Part 2: Manoj कुछ वैसे जैसे मशहूर हॉलीवुड फिल्म टेकन में नीसल अपनी बेटी को उसके किडनैपर से बचाते हैं अब ये एक स्टैंडर्ड कमर्शियल थ्रिलर फॉर्मेट है जिसे हम कमर्शियल फिल्म ही है, कहते हैं कि इमोशन <laughs> इवेंट्स स्टेज होने लगते हैं जो देश की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कम और फैमिली मैन पार्ट टू के प्लॉट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ज्यादा आर लाइक ये स्टोरी कहाँ गई इस इंटायर थिंग में वे सडनली फ्रॉम द नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू यू गोइंग टू अ किडनेपिंग सीक्वेंस ऑफ दिस एक्सट्रीमली अनोइंग डॉटर दैट मनोज बाजपाई हैज आई मीन यू डोंट अंडरस्टैंड द एंग्स दैट दिस वुमन हैज आई अंडरस्टैंडू कैन बी अ रिबेलियस टीन What joy, वॉट When her father was not with her in season सीजन she had a problem. Now that her father is more in the house, she has a problem. Then what does she do? रिलीफ फैमिली मैन पार्ट वन का प्लस पॉइंट था कि उसका जिंदगी के साथ रिश्ता सीरीज टू की प्रमोशन इंटरेस्टिंग है पार्ट वन का याद दिलाती है मनोज बाजपाई प्रमोशंस में जॉब का इंटरव्यू कर रहे हैं तलपड़े डेटिंग साइट में अपनी शादी अरेंज कर रहे हैं और ये सब बहुत मज़ेदार हैं बट सीरीज में ऐसे कोई सीन्स नहीं आते हैं मैंने फैमिली मैन पार्ट वन को बहुत हाई रेट किया था लेकिन मैं फैमिली मैन पार्ट टू को रेट करता हूँ सिर्फ सेवन आउट ऑफ टेन अच्छा है पर आउट ऑफ वर्ल्ड नहीं है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब फैमिली मैन पार्ट थ्री आएगा इसकी रेटिंग और भी नीचे नहीं गिरेगी फैमिली मैन सीजन टू टू मी इज अ कम्पर्सन वॉच आई वॉज So happy that there were only nine episodes and I didn't have to spend another hour on this. I was confused, and I was go the problem was that I was going in and out of emotions. For me, I'm not looking forward to season three, uh, my father is still giving it the benefit of doubt. Let me get to the rating. The rating I am going to give it uh, a 5 out of 10 uh, for the simple reason that there are some redeeming factors. It is an attempt at a good show. The directors have fumbled the season up. Hopefully, they will recover in season three, of which the plot has already been revealed. This show seems to be touching all our borders. We have started off from Pakistan and Kashmir. We have now gone to the tip to Tamil Nadu and Sri Lanka. Now we have gone northeast to uh, probably uh, Meghalaya and, and Nagaland and whatever. And the Chinese are also involved. Let's just say it's a family pan for me, it's not a family man anymore for me. Or dad or dot 10 out of ten. But if you have something that you want two perspectives of in terms of a review, write into us. Subscribe and write in to us and tell us what is it that you would like us to review and watch. You will probably get something interesting every week. See you next time.